गाइज वेलकम टू स्पोर्ट्स गैलेक्सी। गाइज स्टूडियो में बात करने वाले हैं जो पर्स रिमेनिंग बचा है यहाँ पे सारी टीमों का ऑक्शन में प्लेयर्स सॉरी यहाँ पे रिटेन प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद का, मतलब सारी टीमों ने जब प्लेयर्स को रिटेन कर लिया था उसके बाद अब क्या यहाँ पे सारी टीमों का पर्स है जो कि अब यहाँ पे टीमें स्पेंड करने वाली है कैटेगरी ए बी सी प्लेयर्स पे, अनसोल्ड प्लेयर्स पे और यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज प्लेयर्स पे और जो यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स होंगे उनके ऊपर। सो क्या पर्स रिमेनिंग है वो सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पे उसका रहता है, बिकॉज उसी के बेसिस पे यहाँ पे आप प्लेयर्स को खरीद सकते हो, उसी के बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी टीम किस प्लेयर्स को खरीद सकती है, किस प्लेयर पे बोली लगा सकती है। सो गाइज यहाँ पे इस वीडियो में हम वही चीज़ पेश लेके पेश हुए हैं। सो गाइज आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पहली टीम जो है तमिल थलाइवास की। तमिल थलाइवास का जो यहाँ पे पर्स रेट रिमेनिंग है वो है यहाँ पे 4.16 CR। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी टीम तेलुगु टाइटंस की, तो तेलुगु टाइटंस का जो यहाँ पे रिमेनिंग पर्स है वो है यहाँ पे 1.78 CR। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरी टीम यूपी योद्धा की, तो यूपी योद्धा का यहाँ पे जो पर्स रिमेनिंग है वो है यहाँ पे 3.61 CR। और वहीं पर अगर हम बात करें चौथी टीम पटना पायरेट्स की, तो पटना पायरेट्स का जो यहाँ पे रिमेनिंग पर्स है वो है यहाँ पे 3.53 CR। वहीं पर अगर हम बात करें पाँचवीं टीम सॉरी छठी टीम यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर की, तो जयपुर पैंथर का जो रिमेनिंग पर्स है वो यहाँ पे 3.35 CR। वहीं पर अगर हम बात करें सातवीं टीम दबंग दिल्ली की, तो दबंग दिल्ली का जो पर्स है वो है यहाँ पे 3.20 CR। वहीं पर अगर हम बात करें आठवीं टीम हरियाणा स्लेयर्स की, तो हरियाणा स्लेयर्स का जो पर्स रिमेनिंग है वो है यहाँ पे 3.12 CR। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे नौवीं टीम बेंगलुरु बुल्स की, तो बेंगलुरु बुल्स का जो यहाँ पे रिमेनिंग पर्स है वो यहाँ पे 2.84 CR। वहीं पर अगर हम बात करें दसवीं टीम गुजरात फॉर्चून जाइंट्स की, तो गुजरात फॉर्चून जाइंट्स का यहाँ पे रिमेनिंग पर्स है 2.59 CR। वहीं पे हम बात करें ग्यारहवीं टीम बंगाल वॉरियर्स की, तो बंगाल वॉरियर्स का यहाँ पे रिमेनिंग पर्स है 2.24 CR। वहीं पर अगर हम बात करें आखिरी टीम यूम्बा की, तो यूम्बा का जो पर्स रेट है वो सबसे कम है 1.93 CR। इससे ये पता लगता है कि तमिल थलाइवास भी इस बार भी ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर्स पर बोली लगाने वाली है और यूम्बा का पर्स रेट कम है, तो इसलिए यूम्बा कुछ चुनिंदा ही खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर पाएगी। सो गाइस ये थी एक प्रॉपर वीडियो रिमेनिंग पर्स की। इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड शेयर कर दें, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और यूट्यूब चैनल को ऑक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाए रखें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलते रहे। मैं तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। We've been getting close.